हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुरु नीति प्लांट फिजियोलॉजी के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एम एम बंडोरिया और मेरे साथ है सर्वेश यादव सर। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें सेल बायोलॉजी के 5 एपिसोड हमने किए थे। 7 एपिसोड एग्जैक्टली प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, जिनमें से आज हम लेकर आए हैं आपके पास एपिसोड नंबर 4। और आज का हमारा जो चैप्टर है, दैट इज द रेस्पिरेशन प्लांट्स। देखिए, रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है, ये कनेक्टिविटी काफी अच्छी रखता है चारों तरफ सब्जेक्ट में, क्योंकि सर एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। सो आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जहां जहां कंसेप्ट हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, लॉजिक्स हैं, जो हमेशा की तरह हम करते आए हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए आप लोग और हम लोग जो है वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 112। ये जो 112 है, हाँ जी, 112 कॉम्प्लेक्स सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड की जहां तक बात की जाती है, तो एक बेसिक रेफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS जो है, उस ETS में कॉम्प्लेक्सेज है। दिस ETS इज कैटेगराइज्ड एज द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सर, हम ऐसा करते हैं कि पहले रेस्पिरेशन का एक ब्रीफ जो है वो बच्चों के सामने डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए, तो उस इंट्रोडक्शन से फिर जो है वो आगे हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन जो है वो ETC का पूछा गया, ETC का जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्या है, तो इसमें मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के ब्रीफ। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर सेल को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये जानते हैं मोस्ट कॉमन या जो यूनिवर्सली अकर हो सकता है सेल में, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। दैट ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल। सर, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप देखेंगे 2019 के एग्जाम में, इसी सिंगल स्टेप से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है, तो ये ट्रांसपोर्टर एग्जाम में पूछा गया था, जो आप जानते हैं ग्लू ट्रांसपोर्टर है बच्चों, इनकी हेल्प से सेल में एंटर हुआ। जस्ट आफ्टर एंट्री ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इसकी एंट्री के बाद, अब आप देखिए ये चार्ज्ड फॉर्म में आ गया, तो इसका सेल से बाहर एग्जिट होना जो है वो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका, जिसमें एग्जाइम हेक्सोकाइनेज होता है। बाकी हम डिटेल में बात यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ रोल सारा। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फॉर्मेशन में आ गया। सो अल्टीमेटली अब सेल के एनर्जी स्टेटस को ये मेंटेन रखेगा, क्योंकि सेल से बाहर नहीं जा सकता। और फाइनली आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट जो है वो आता है पाइरूवेट, तो ये पाइरूवेट बन जाता है। यहां आपके पास था 6C1M और ये आप ले बना चुके हैं 3C2M, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। अब यहीं से एग्जैक्टली डिसाइड हो जाता है कि जो प्रोसेस रेस्पिरेशन की है वो एरोबिक होगी या एनएरोबिक होगी। ये पाइरूवेट अगर फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों आप जानते हैं पाइरूवेट अगर एंटर करेगा, तो ऑब्वियसली एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाया जाएगा। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर एंटर नहीं करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है वो आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन को इंडिकेट करेगा। अब एक कॉमन स्टेटमेंट सर NCERT में बहुत जगह, और बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हम जब पढ़ते हैं, तो एक स्टेटमेंट कॉमन कहा जाता है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस रिक्वायर द मेटाबॉलिक एनर्जी। तो वो मेटाबॉलिक एनर्जी कहां से आती है, उस मेटाबॉलिक एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आपका सिंगल आंसर हो सकता है रेस्पिरेशन, या फिर आप कह सकते हैं द मेटाबॉलिक एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब हर एक सेल के पास अपना एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में हमने कहा मोस्ट कॉमन ग्लूकोज है, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है। जब इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, देखो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जैसे एरोबिक को मैं अगर ब्रीफ करूं, तो आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले हुआ, जो एरोबिक और एनएरोबिक का कॉमन पाथवे है। इसके बाद एक लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे हम कह सकते हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, जिसको लिंक रिएक्शन भी हम कहते हैं, और उसके बाद यहां परफॉर्म करवाया जाता है क्रेब्स साइकिल। तो अल्टीमेटली ये क्रेब साइकिल जब हुआ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो यहां बना लिए गए एनर्जी इंटरमीडिएट्स जो NADH और FADH के फॉर्म में आते हैं।
इन NADH और FADH जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बने हैं, इनको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ETS है उसके थ्रू ऑक्सीडाइज करवा लिया जाता है, और ऐसा करवाने से यहां फाइनली गेन होता है द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी एंड दैट इज द ATP. तो अल्टीमेटली सारा सब कुछ जो है वो इस ATP को गेन करने के लिए चल रहा है. जैसा अभी हमने डिस्कस किया था सर, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट इज ओनली द बेसिस टू प्रोवाइड द मेटाबॉलिक एनर्जी, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को चलने के लिए. तो जैसा सर्वेश सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था मैंने इसकी ब्रीफिंग कर दी है, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं. हाँ सर, बस जो बाकी जो ब्रीफ में आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दी जी, किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है. जैसे सर ने यहाँ से बात की है, मोस्ट प्रीफर्ड जो रेस्पिरेटरी सब्सटेट है वो ग्लूकोज है. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में उन्होंने मेंशन किया है जो ग्लूकोज है उसमें अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है C6H12O6. तो यहाँ देखो एक स्टेटमेंट भी है जो थर्मोडायनेमिक का रूल है, एनर्जी नियर बी क्रिएटेड नियर बी डिस्टर्ब्ड नॉट डिस्टर्ब्ड. तो यहाँ हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है. जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में बात की थी वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर जो एनर्जी है उसको कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्म में लाया जा रहा है, और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर इनको अपन ब्रेक करेंगे, तो दैट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस. बिल्कुल. तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जैसा सर ने बताया, तो एनर्जी को फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं करेंगे, वो ATP के फॉर्म में हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, दैट इज द एनर्जी करेंगे. लेकिन एक बात और है सर, जो ग्लूकोज है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, उसको इसका ऑक्सीडेशन करवाने जब हम गए या थ्रू द प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो सारी एनर्जी यहाँ रिलीज होती है सारी एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता, 100% एफिशिएंसी नहीं, 100% एफिशिएंसी प्रोसेस की नहीं होती. जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिखते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी, एग्जैक्टली दैट इज कंप्लीटली नॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी का लॉस भी हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो ये ब्रीफ में जो अपन ने इसको डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आएंगे तो अपन उसके साथ साथ प्रोसेस में बात करते हैं. तो फाइनली ये मेंशन करते हैं जैसा सर ने कहा है, प्रोसेस कैसा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, और अपन ने फोटोसिंथेसिस में बाकी जाना बोले एनाबॉलिक. लेकिन NCERT में एक स्टेटमेंट और लिखा है कि इसको अपन एम्फीबोलिक पाथवे भी बोल देते हैं, तो थोड़ा उस पे भी फोकस करते हैं. एम्फीबोलिक पाथवे देखो इसलिए कहा गया जैसा सर ने इंडिकेट किया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है. ड्यूरिंग द पाथवे ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्रैब साइकिल शुरू हुआ. जब क्रैब साइकिल शुरू हो रहा है तो सर डिफरेंट टाइप ऑफ वहां ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ज्यादा इंटरमीडिएट्स, और इवन बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और इंटरमीडिएट्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में प्रीकर्सर के फॉर्म में भी आते हैं. जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपने पीछे मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ा, तो जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसको आप यूज कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स और एमाइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है. तो इस तरीके से ये पूरा जो कार्बन स्केलेटन है, NCERT की जगह इंट्रोडक्शन में व्हाई डू प्लांट ब्रीथ या डू प्लांट ब्रीथ करके जो लिखा उससे ठीक ऊपर एक स्टेटमेंट लिखती है NCERT, जिसमें बहुत क्लियरली कहा गया है द कार्बन कार्बन स्केलेटन, और कार्बन स्केलेटन इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस किया जाता है मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज ए प्रीकर्सर्स जो है वो यूज किया जा रहा है. तो ओवरऑल सर हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस तो था ही, इनके फॉर्मेशन के कारण ये क्या है अपने आप में एनाबोलिज भी है. सो अल्टीमेटली जैसा सर अभी बोल रहे थे ये क्या हुआ, एम्फीबोलिक पाथवे. और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया लास्ट में दे भी रखा है, जो इसके इंटरमीडिएट्स हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन पाथवे, तो वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को बनाने जो है हेल्प करते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया रेस्पिरेशन में ATP प्रोड्यूस करनी है और बाकी के जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको भी फॉर्मेशन करना, उनको भी बनाना है. तो रेस्पिरेशन सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज भी कर रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो यूजफुल हैं या काम में आते हैं. ये यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, विदाउट रेस्पिरेशन कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए सर पहले वापस. कॉम्प्लेक्स सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ETC, जैसे हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, SD कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये क्रैब साइकिल में जो है वो एग्जैक्टली करवाता है रिडक्शन, और क्रैब साइकिल में या ड्यूरिंग क्रैब साइकिल रिडक्शन जब करवाता है तो रिडक्शन प्रोसेस से आप ये कह सकते हैं ये बनवा देता है FADH. सॉरी मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप कह रहे हैं SD कॉम्प्लेक्स सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्रैब साइकिल में रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, और ETH में अगर देखें तो ये कर रहा है प्रोसेस ऑक्सीडेशन का.
अब सिमिलर इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये करता है, तो बेसिकली ऑक्साइड और रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये एक्ट करता है। एक सर इसके लोकेशन और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है जो इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस पर ये लोकेट करता है, जबकि बाकी के सारे जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मार्कर एंजाइम भी है, मार्कर एंजाइम भी है, एक तरीके से लिंकर है दोनों के बीच, कॉमन बिटवीन क्रेब्स साइकिल है ईटीएस। बिल्कुल सर, तो यहां से देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड कहलाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज स्टूडेंट्स, ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, फिर लिखा है NADH डिहाइड्रोजनेज और FADH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहां इन इंफॉर्मेशन का कोई रेफरेंस नहीं है दोनों का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, जैसा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें ETS में ETC में काफी कॉम्प्लेक्स है, क्यों एक डायग्राम बना के अभी बता दें, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हाँ, तो फर्दर डायरेक्ट उन पे अटैक करेंगे अपन। हां तो पेज खाली अपन यूज कर लेते हैं उसको, खाली पेज को। हां फिर से खाली पेज को यूज करते हैं लोग। बिल्कुल, जैसा सर ने बताया जो ETS है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये यहां प्रेजेंट होगा, दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको रफली अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक तरफ तो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इधर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लियर। बिल्कुल, और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो ETS वो प्रेजेंट होता है। ETS के अंदर जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, एक बार रफली उनका जो नाम वगैरह बता देते हैं, उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रो जिनेज कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद भी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, वो सीक्वेंस है लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन में कहीं प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हम लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं पहले बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स थर्ड की, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में यहाँ प्रेजेंट है आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड, सेकंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेकंड, और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स फोर्थ की, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद में बात आती है ETS की, बात करें तो सर ने बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसके लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, दैट इज ATP सिंथेज। ये हो जाएगा, दो पार्ट हमने डिवाइड किए थे अभी। ETC में जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स फोर है सर। बिल्कुल, ये सीक्वेंस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो चेन है वो ये है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है, मतलब ATP बनाने का जो प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है फिफ्थ, दैट इज ATP सिंथेसिस। जी, तो अपन ATP सिंथेसिस बोल देते हैं, या फिर यही है आपका FOF पार्टिकल। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स है जो इस ETS में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें NCERT का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता रखा है वहां पर। जैसे फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर FMN प्रेजेंट है, FES प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो थर्ड है उसके अंदर आपका साइटोक्रोम बी है, C1 है, FES है। जो सेकंड है वहां पर FAD है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, और FES प्रेजेंट होता है। जो फोर्थ है इंपॉर्टेंट है यहाँ, कॉपर सेंटर होता है, कॉपर कंटेंट, बिल्कुल A3 एंड टू कॉपर सेंटर, सेंटर इंपॉर्टेंट है, भी रखा है मेंशन किया है, और ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो अल्टीमेटली सर थीम क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो है वो प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाई जाती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बिल्कुल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वहां ग्रेडियंट बनता है, और उस ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया जाता है इसके थ्रू। ये ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया गया वापस H+ ions को जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैसिलिएट करवाया गया, तो उस ग्रेडियंट एनर्जी को यूज करके यहां क्या बना लिया गया, ATP। ये मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। दो बेसिक बातें सर हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे बच्चों, मोबाइल कैरियर यहां प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को अगर आप देखें तो देखो, एक तो पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी आपको मिलेगा, प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन है, NCERT ने पोजीशन तक उसका लिखा है, इनर साइड में जो है वो लोकेट करता है। तो यहां से आपको ये देखना चाहिए, एक यूबीक्विनोन फॉर्म है, यूबीक्विनोन यूबीक्विनोल के फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है, तो UQ आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये फर्स्ट से थर्ड के बीच ये भी एक ध्यान रखने की बात है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स थर्ड, सेकंड टू, और सेकंड टू थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड। लेकिन आपको एक बात देखने को ये मिल रही होगी कि फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर नहीं होता है। फिर उसके बाद थर्ड से फोर्थ को जो कनेक्ट करना है, अगर थर्ड से फोर्थ को कनेक्ट करने के लिए आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो मैंने पहले लिखा था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सी, ये स्मॉल पेरिफेरल
प्रोटीन है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच होता है, जबकि ये जो यूवी क्विनोन आप कह रहे हैं ये है फर्स्ट से थर्ड के बीच और सेकंड से थर्ड के बीच, तो कॉमन हो गया बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है उनके बीच ही मोबाइल कैरियर होता है। तो इस तरीके से होगा, यहां पर्टिकुलर इंटरमीडिएट जो एनएडीएच बना था, एनर्जी इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं उनको, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बना लिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा थीम बेस्ड हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए पूरा मैकेनिज्म तो जो है वो क्लास में काफी सब क्रिटिकल होता है, एक क्लास लगता है पूरा, पूरी क्लास एक डेढ़ घंटे की क्लास भी हमने काफी ब्रीफ कर दिया, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली जो है वो इससे कनेक्ट आप कर पाओगे। तो अब वापस जो है मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 112 हो गया था, 112 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन्स हीम एंड कॉपर कंटेंट इन ईटीएस। तो देखिए अभी अभी आपको बताया गया था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहां दे रखा है, थर्ड दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फोर जो है ये आपको पता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में जैसा सर अभी कह रहे थे टू कॉपर कंटेंट करता है, तो आंसर डेफिनेटली सर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 114 फुल नेम ऑफ FMN, ये भी देखिए मेंशन किया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका कंपोनेंट है FMN, और FMN जो होते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो याद रखनी है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में एसोसिएट कर, जैसे डायग्राम में दिया है सर एनसीईआरटी में, जो कॉम्प्लेक्स जो दे रखे हैं उनके अंदर जो कैरियर्स हैं वो मोबाइल नहीं है, वो नॉन मोबाइल कॉम्प्लेक्स का पार्ट, कॉम्प्लेक्स ये FMN कॉम्प्लेक्स का ही है, आपने बताया वो दो जो एग्जांपल बताए यूबी क्विनोन कोएंजाइम क्यू लिखा हुआ मिल सकता है, यूबी क्विनोन लिखा मिल सकता है आपको, इसके अलावा साइटोक्रोम सी वो मोबाइल कैरियर। तो FMN के केस में सर आंसर हो गया फाइनली हमारा सेकंड। Next, 115, breakdown of complex molecules to yield energy in eukaryotes takes place in. तो देखो पूरा एक सेल अभी मैंने ड्रॉ किया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या है, तो सर सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी क्या है सबस्ट्रेट, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो इसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में शुरू होगा और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। डायग्राम बताया सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो पाइरुवेट बनेगा साइटोप्लाज्म में, देन आफ्टर पाइरुवेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक तरीके से साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका साइट हो गया। तो यहां आंसर हम ले सकते हैं सर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये एग्जैक्टली साइट इसका है। 116 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स, यूजुअली प्रोटीन्स और फैट्स आर यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखिए प्रोटीन और फैट जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं, बट ये कह रहे हैं यूजुअली स्टेटमेंट, ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो आपने कहा ग्लूकोज जो है मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, बायोलॉजिकल सिस्टम उसको फेवर करता है, प्रोटीन्स को नहीं करता और फैट्स को भी फेवर कार्बोहाइड्रेट से पहले नहीं करता है। फिर कह रहे हैं इन रेस्पिरेशन energy released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzymes, बिल्कुल सही बात है सर। इस पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें बच्चों को बता दें, ये जो प्रोसेस है वो स्टेप वाइज क्यों हो रहा है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस क्यों है, जबकि एटीपी तो सिंगल स्टेप में भी जनरेट किया जा सकता है। तो देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, जैसा सर अभी कह रहे थे कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी एटीपी के फॉर्म में नहीं लाई जा सकती, उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, इसका मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं है, तो एक साथ अगर एक ही स्टेप में रिलीज करी जाती तो ऑब्वियस है स्टोरेज उसका या जो कन्वर्जन है वो और भी मुश्किल हो जाता और बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी गिरती। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके इसलिए इसको मल्टी स्टेप्ड करवा। दूसरा आपने बताया था कि जितनी ज्यादा स्टेप है तभी तो आपको इंटरमीडिएट्स ज्यादा इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बेनिफिशियल होता है उसी को वो फेवर करता है, इसलिए मल्टी स्टेप इसको रखा गया प्रोसेस को। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया सर। सी है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग एंजाइमेटिक मशीनरी विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। एग्जैक्टली देखिए O2 का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, नो O2 नो CO2 बेसिकली हम ग्लाइकोलाइसिस के लिए प्रेफर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये सही था। ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। देखिए ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्जेक्टली ऐसा करता है, बिल्कुल यहां इन्वर्टेज का कोई रोल, इन्वर्टेज तो ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल, तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन करता है।
हाँ, जैसे कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड आपको दे दिया, आपको ग्लूकोज मिलाना है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस शुरू होने से पहले का स्टेप आप जो उसमें आप उसको ले सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा दिया सुक्रोज अगर है तो उसको ब्रेक करेगा। हाँ, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है पाइरूवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंटर करता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, पहला CO2 रिलीज है वो। बिल्कुल, तो ये लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे को हम कहते हैं। स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से हमारे पास थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछे इन्होंने, असत्य पूछे, असत्य पूछे तो असत्य अपने आप पास हो जाएंगे। दो स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछो नेक्स्ट। 170 एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग इन TCA साइकिल। एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो देखो अभी आप बात कर रहे थे SD एंजाइम कॉम्प्लेक्स की, और ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये इन्वॉल्व करता है एग्जैक्टली FAD को। FAD जो है इसका आपने कहा FAD प्लस से FADH, ये रिडक्शन हो जाता है क्रैब साइकिल में, या क्रैब साइकिल दिया TCA आपको, और ETS में इसी को ऑक्सीडाइज करवा देता है वो। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा यहां सेकंड। Next, 18. Total, how many enzymatic reactions are involved in the process of alcoholic dehydrogenase? Alcoholic fermentation, जो alcoholic dehydrogenase enzyme की presence में ही होता है। तो सर ये clear हम करें, glycolysis में 10 steps हुए। Glycolysis जो है, इस glycolysis में number of steps 10 है, और उसके बाद aldehyde, और aldehyde से आप कह सकते हैं alcohol। बिल्कुल, तो टोटल आपने बताया 10 स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस होगी जी, ड्यूरिंग व्हिच ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरूवेट, तो उसके बाद में फिर ये फर्मेंटेशन में जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखो क्वेश्चन में पूछा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर दो स्टेप और आएंगे। फर्स्ट स्टेप में होगा डीकार्बोक्सिलेशन जी, उसके बाद बनेगा एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया ठीक, एल्डिहाइड बन जाएगा, उसके बाद में फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा अल्कोहल। तो ये जो एडिशनल दो स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेगा, और यहां पर आएगा आपका अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज। तो टोटल स्टेप्स हम 12 कह दें, 12 हो जाएंगे, 12 एंजाइमेटिक रिएक्शंस आप दे। नेक्स्ट, consider the given statements. ये कह रहे stepwise complete oxidation of pyruvate, removal of all hydrogen atoms and leaving three molecules of CO2. NCERT ने statement लिखा है। बिल्कुल। Stepwise complete oxidation of pyruvate, इसका मतलब है aerobic respiration की बात कर रहा है, complete oxidation हो रहा है, removal of all the hydrogen atoms. बिल्कुल। Pyruvic acid की बात करें, इसमें तीन कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो पहले अपन बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, that convert into acetyl coenzyme. And acetyl coenzyme may enter into Krebs cycle. और इसका जब complete oxidation हो गया तो ये जो carbon है ये CO2 के form में release हो जाएंगे, और जो hydrogen है उनको अपन use कर लेंगे for the energy formation. तो instead of carbon आप कह सकते हैं hydrogen जो है वो utilize हो जाएगा। फिर कह रहा है passing of electrons to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP. जो electrons हैं वो molecular oxygen को pass होते हैं, वहाँ transfer होते हैं, simultaneously synthesis of ATP का formation होता है। cytochrome oxidase complex जो complex 4 है उसके साथ oxygen associate करता है, और final electron acceptor के form में ये present होता है, जिससे ATP के synthesis करवाने के लिए responsible ये हो जाता है। फिर कह रहा है partial oxidation of glucose in absence of O2. बिल्कुल glycolysis के बात कर रहे हैं, तो statement correct है। फिर कह रहा है oxidative decarboxylation of pyruvate। ओके सर, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ये पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं। हाँ, स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे करेक्ट है, लेकिन ये साइट के अकॉर्डिंग कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से परफॉर्म होते हैं, तो एक बार स्टेटमेंट बता देते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग अपन आ जाएंगे। फिर कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट अभी हम बात कर चुके हैं, लिंक रिएक्शन होता है गेटवे पाथवे। और फिर कह रहा है कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू CO2 एंड एथेनॉल, तो ये अभी सर जो आपको बता रहे थे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइनली एथेनॉल बन जाता है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अब बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो देखिए सर पहले तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल ये नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली होगा। फिर कह रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस जैसा आप कह रहे थे, तो साइटोप्लाज्म में होगा। फिर कह रहा है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डेफिनेटली होगा। फिर कह रहा है स्टेप वाइज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स एंड लीविंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो देखिए एक तो लिंक रिएक्शन में रिलीज कर रहा है, और दो आप कह सकते हैं सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के क्रैब्स साइकिल में, तो इसका मतलब तीनों ही कहां हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बिहार पे सर हम कह सकते हैं ए बी और डी जो है हमारे तीन पास प्रोसेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। सो आंसर हो जाएगा सेकंड, और बिल्कुल सिंपल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं वाला। ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो
साइटोप्लाज्म और बाकी के जो है लिंक रिएक्शन, इसके अलावा क्रैब्स साइकिल, ईटीएस, वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट 120 इन क्रैब्स साइकिल फॉर्मेशन ऑफ 34 एटीपी टेक्स प्लेस, 38 एटीपी टेक्स प्लेस, 15 एटीपी टेक्स प्लेस ईच एसिटाइल कोएंजाइम और 12 एटीपी टेक्स प्लेस। तो इसमें देखिए आपसे पूछा है कि क्रैब्स साइकिल में जो है वो फॉर्मेशन किसका होता है। क्रैब्स साइकिल में अगर देखा जाए तो आप जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब्स साइकिल में एंटर करेगा। दिस एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सलोएसिटिक एसिड। देखिए ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड बना दिया जाता है और ये जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद में सक्सेसिव स्टेप्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स कन्वर्जन के होते हैं, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, सर मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं, प्रोडक्शन जो है वो आपके पास यहाँ 15 एटीपी का आ सकता है। बिल्कुल, जैसे क्रैब्स साइकिल कंप्लीट हो गया, जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि यहाँ पर रिड्यूसिंग जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर हैं, उनका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 3NADH का फॉर्मेशन होगा एक साइकिल में, एक जगह पे बनेगा आपका FADH और एक डायरेक्ट ATP और GT। हाँ, यहाँ ATP मेंशन कर देते हैं उसको, तो ये इस बार एग्जाम में भी था सर। बिल्कुल, SLP है, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मेशन एटीपी का जो है वो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था 2020 का। तो इस तरीके से सर ने मेंशन कर रखा है, देखिए 3, 3, 9, 9, 2, 11, 11 and 12। अब अगर आप लिंक रिएक्शन को भी कनेक्ट कर लेते हैं तब तो आपके पास हो जाएंगे 15, अदरवाइज आपके पास होंगे 12। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए क्रैब साइकिल लिखा है सर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देता तब तो हम 15 पे चले जाते, और क्रैब साइकिल हमें दे रखा है इसलिए हमारा आंसर यहाँ होना चाहिए सर 12 एटीपी फ्रॉम ईच एसिटाइल कोएंजाइम अगर टू मॉलिक्यूल्स आप देखें हालांकि आता दो ही है टू सी टू एम तो इस केस में आप कह सकते हैं टोटल 24 जो है वो प्रोडक्शन होता तो सर आंसर हमारा फाइनल हुआ फोर। वन टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल कैरियर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर अभी हमने डिस्कस किया था और मोबाइल कैरियर पूछा है। हाँ, तो सर ये मेंशन है साइटोक्रोम सी जो है स्मॉल पेरिफेरल प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर। इससे रिलेटेड वो तीन स्टेटमेंट है जनरली पूछता भी रहता है, आपके साथ ने डिस्कस कर लिया, ये प्रोटीन यूनिट है जी और ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट हो, पेरिफेरी पे। इसके अलावा जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड जी। नेक्स्ट 122 द फॉलोइंग इज अ सिंपलीफाइड स्कीम शोइंग द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अल्टीमेटली हमें क्या दिया, हमें चार्ट दे दिया ब्रीफिंग करके कि ये देखिए ग्लूकोज है, मैकेनिज्म दे रखा है सर ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल, यहां रेस्पिरेटरी सब्सटेट ग्लूकोज और ये स्टेप दे रखे हैं उनको आपको आइडेंटिफाई। पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ऑब्वियस है ये पाइरुवेट का फॉर्मेशन यहां हो जाएगा, ये पाइरुवेट जैसा सर मेंशन कर रहे हैं, ये जो है वो पाइरुवेट हुआ। अब ये पाइरुवेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्रैब्स साइकिल में चला गया, और उधर देखिए सर लिखा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन में चला गया। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है सिंपल है, बैक्टीरिया दे रखा है इसको, यूजुअली जो ईस्ट है वहां पर अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और बैक्टीरिया में जनरली जो है लैक्टिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन आपको देखो। वो यीस्ट का यूज आप काफी उधर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह आपको पढ़ने को मिलता है यीस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। इस चैप्टर में भी बाकायदा दे रखा है कि अल्कोहलिक बेवरेज जो सब्सटेंसेस हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और इसका क्रैब साइकिल होगा तो आफ्टर क्रैब साइकिल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर आपका CO2 रिलीज हो जाएगा फाइनल। इसके अकॉर्डिंग हम मैच कर लेते हैं, फर्स्ट ए पाइरुवेट होगा, एक पाइरुविक एसिड है, बी CO2 जैसा सबने मेंशन कर रखा है, एंड वाटर डेफिनेटली होगा, रिजल्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कह सकते हैं, सी एथिल अल्कोहल, सी लैक्टिक एसिड, सी फिर आपके पास आंसर ये आएगा सी वाले में, ये लैक्टिक एसिड, डी एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर ये दे रखा है, सही है, नहीं होगा ये डी जो है एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ऑब्वियसली जो अल्कोहल बनेगी वहां CO2 रिलीज होती है। बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, पाइरुविक एसिड ए, बी CO2 एंड वाटर जो रिजल्ट है फाइनली, सी लैक्टिक एसिड है एंड डी है एथिल अल्कोहल एंड CO2। ये ध्यान में रखने की बात है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है, ये यहां मेंशन कर दिया, इसी से इंफॉर्मेशन आप ये ले सकते हैं।
ठीक है. नेक्स्ट 1, 2, 3. फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एसेंशियल. इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस बाय रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में क्या यूज होता है, देखिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव पूरा लिख देता हूं फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में है. फोटोफॉस्फोराइलेशन ये सर एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है जिसमें कंपैरिजन इन दोनों में डिस्कस किया था. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में तो जो ड्राइवन एनर्जी है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए जो एनर्जी यूज की जा रही है वो आप कह सकते हैं फोटोन एनर्जी या लाइट एनर्जी. जबकि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा या प्रोटॉन पंप होंगे. तो यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी है. तो देखिए हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेज, जो एटीएस में कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी से वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस है प्रोटॉन की पंपिंग होगी, इसलिए आपका आंसर यहां हो जाना चाहिए फर्स्ट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. गलत स्टेटमेंट पूछे गए सर. नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज 2. डेफिनेटली अपने बात की थी ग्लूकोज पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुविक एसिड यहां पर जो नेट गेन है वो है 2 ATP एंड 2 NADH. DH ये तो हो गया. और जो पाइरुविक एसिड को अपन कन्वर्ट करते हैं आइदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, तो वहां पर क्या होगा अपन बात करें तो जैसे लैक्टिक एसिड बन गया तो वहां जो NADH है वो वापस से क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा और वापस NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए क्वेश्चन आता है इस पे, एग्जाम में भी क्वेश्चन इस पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्रोसेस रेस्पिरेशन में है जिसमें एक्सटर्नल डोनर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बिल्कुल, तो देखो इसी प्रोसेस में बना और इसी में रिसेप्टर प्रेजेंट है इसका, तो ये NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा. नेट गेन जो है 2 ATP का है क्योंकि ये वापस उसमें रिसाइकिल हो रहा है, वापस कंज्यूम हो रहा है. और ये इंपॉर्टेंट भी है कि बार पूछ लेते हैं कि जो अल्कोहल प्रोसेस है या जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो भी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो NADH2 है उनको आप वापस से ऑक्सीडाइज नहीं करोगे तो वापस से NAD+ की अवेलेबिलिटी नहीं बनेगी, तो ग्लाइकोलाइसिस जो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. इवन सर उसके अलावा भी कहा जाता है कि जो ETS है दैट ETS इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द क्रेब्स साइकिल. ETS में NAD+ और FAD+ अगर नहीं जनरेट होंगे तो क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बनेगा नहीं, स्टेप्स होगा स्टॉप हो जाएंगे. ETS जो है वो एनर्जी देने के साथ साथ क्रेब्स साइकिल की बैकबोन के फॉर्म में भी काम करती है. यही सिमिलर कंसेप्ट यहां भी है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना है वो ऑक्सीडाइज होगा फर्मेंटेशन में, तब जाके वापस आप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ये बन पाए. क्लियर, तो सही स्टेटमेंट सही हुआ. फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. ये भी एनसीईआरटी की लाइन है सर, कंक्लूजन में लिखा है, मेंशन कर रखा है. अभी डिस्कस भी किया, जैसे क्वेश्चन आया था ईस्ट में हो रहा है, ईस्ट में यूकैरियोट आ गया, इसलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट लिखा है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में हो ही रहा है. In animals, muscle cell pyruvate is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. सही है, correct statement लिखा है. In CO2 molecules released, 2 CO2 molecules released during lactic acid fermentation of 1 glucose molecules. अभी हमने बात की थी कि lactic acid का जब fermentation process हो रहा है तो CO2 release होती ही नहीं. Alcoholic fermentation के process में ही CO2 जो है उसका release होता है. अपने pyruvate में भी 3 carbon है, lactic acid में भी 3 carbon है, तो वहाँ पर CO2 का loss, carbon का loss नहीं. तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 4th. 1, 2, 5. इफ सुक्रोज एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस देन फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू ए एंड बी बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वर्टेजिंग. ऐसा आप डिस्कस कर चुके हैं पहले, आ गया है सुक्रोज जो है उसको आप ब्रेक करोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन में आ जाएगा, और एंजाइम भी सर अभी मार्क किया था आपने लास्ट में लिखा है, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ये हो जाएगा. तो ए और बी यहां जो है वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आंसर हो जाएगा 3rd. नेक्स्ट 1, 2, 6. करेक्टली मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट है फैट प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड्स, यहां दे रखे ग्लूकोज, तो ये सब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट सर दे रखे हैं, और रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के साथ उधर आर क्यू दिया है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली है क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आप ये कह सकते हैं CO2 रिलीज होता है और ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको O2 कंज्यूम होता है. तो कंज्यूम्ड O2 और रिलीज्ड या लिबरेटेड जो CO2 उसका रेशियो हम RQ के फॉर्म में पढ़ते हैं.
CO2 released and O2 consumed. तो देखिए अब एक बहुत कॉमन सा रेफरेंस है, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ऑक्सीडाइज करने के लिए उतना ही आप ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट का वैल्यू नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ आपको दे रखा है फैट प्रोटीन, सर ऐसे कैसे बच्चे याद भी रख लेते हैं, बहुत इजी है। डेटा डायरेक्टली पूछते हैं। हाँ, एग्जांपल से डायरेक्ट याद करने से अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में वो अपन इक्वेशन भी याद रखते हैं, 6CO2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं और 6O2 मॉलिक्यूल ही रिक्वायर्ड है, तो वहां पर आर की जो है वैल्यू 1 हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो आर की वैल्यू 1 तो देखिए आपको मिलेगा ग्लूकोज के केस में। आप अगर ऑर्गेनिक एसिड्स देख रहे हैं तो ऑलवेज मोर देन 1 होगा, ठीक है। जैसे मैलिक एसिड्स वगैरह का तो हम पढ़ते हैं 4 तक होता है, 4.33 ऐसा काउंट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ऑब्वियस है ये ग्लूकोज 1 हुआ, ऑर्गेनिक एसिड ये हुआ, प्रोटीन और फैट दोनों का ही जो है वो रेस्पिरेटरी कोशेंट लेस देन 1, ठीक है, 0.9 और 0.7। फैट की अगर बात करें 0.7 और प्रोटीन की बात करें 0.9। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं। एक भैया ग्लूकोज का नहीं दे रखा तो 36 एटीपी यहां दे रखा है, मैचिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियस मैच हो जाएगा, ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन से 36 एटीपी। सर 36 और 38 लिखा जाता है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग एक बार हम कर दें। बिल्कुल। देखिए इसमें ऐसा है बच्चों, ये डेफिनेटली सटल सिस्टम के थ्रू जो ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच बना था उसकी एंट्री पे डिपेंड करता है। एनएडीएच जैसा सर अभी बता रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की, तो जो एनएडीएच बने हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से सटल सिस्टम से एंटर करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि एटीपी प्रोडक्शन 36 होगा या 38 होगा, ठीक है। मैलेट एस्पार्टेट सटल एंड पाइरूवेट फॉस्फेट सटल होते हैं उन दोनों सटल के थ्रू, तो एनएडीएच अगर एनएडीएच के फॉर्म में मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तब ऑब्वियस है ये 38 पे जाएगा, और अगर वो एफएडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 36 में चला जाएगा, ये उसका बेसिक रेफरेंस होता है। तो ये हुआ आपका 1 to 6। 1 to 7 इज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉकेटेड ऑन। बिल्कुल, अभी अपने बात की लोकेशन बतानी है, ईटीएस की जो लोकेशन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में से रिलेटेड आए भी हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उस पर ये प्रेजेंट हो। नेक्स्ट 1 to 8 इन द गिवन इक्वेशन फाइंड आउट ए एंड बी करेक्टली। तो देखिए यहां हमें ये एनसीईआरटी का ही इक्वेशन है सर, पाइरूविक एसिड दे रखा है प्लस कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम होना चाहिए एनएडी प्लस, तो यहां से देखिए एसिटाइल कोएंजाइम कह रहा है, अब भी हमारे से पूछा है एनएडीएच और एच प्लस जो है वो बना रखा है एनएडीएच, कॉमन रिएक्शन बना दिया पूरा जो फैट है पाइरूविक एसिड का, कि उससे लिंक रिएक्शन में क्या रिजल्ट आएगा। तो सर इसको हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, तो ऑब्वियस है CO2 रिलीज होगी। बिल्कुल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां पर जो है बी CO2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यहां जो ए दिया है वहां मेंशन किया है यहां पर ये मैग्नीशियम है इसका कोफैक्टर मैग्नीशियम, तो ऐसा ऑप्शन आप देख लें जिसमें मैग्नीशियम और CO2 दोनों लिखे हो, तो ए जो है वो मैग्नीशियम और बी है CO2। नेक्स्ट 1 to 9 फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ETS इन रेस्पिरेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ETS इन रेस्पिरेशन, तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन ETS डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। बिल्कुल, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन NADH और FADH की बात कर रहे हैं। हां, NADH होगा तो ऑब्वियसली 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, FADH होगा तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। हां, तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो ETS में सिंथेसाइज होते हैं वो डोनर पे डिपेंड करेंगे, सही स्टेटमेंट हुआ। फिर सर दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH गिव्स राइज 3 ATP इन ETS, बिल्कुल सही है जैसा सर अभी कह रहे थे। फिर कहा है ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर ओनली इन ETS, एग्जैक्टली से ऑक्सीजन जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत बार, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा हुआ मिला प्रोटॉन एक्सेप्टर लिखा हुआ मिला, एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है इसीलिए वो H2O में वहां कन्वर्जन दे पाती है। फिर लिखा है सर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2 गिव्स राइज 2 ATP इन ETS, बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। तो यहां इनकरेक्ट रेफरेंस जो आपको दिया है वो इसी के बेसिस पे दिया है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल यहां पर इसने बोल दिया ETS, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो ETC का पार्ट है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, वहां से क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को और फिर प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट ETS होने का मतलब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इंक्लूड कर लिया गया जैसा भी हमने किया था। तो देखिए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंडली, और आप कहेंगे ETC का होगा ETS का नहीं होगा, तो एक बहुत माइन्यूट पॉइंट जो है वो सर ने आपको बताया है, ETS के बजाय आप ऑलवेज ETC पे फोकस रखें। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 130
हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनएडीएच टू ऑक्सीडेशन इन ईटीएस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो बहुत परफेक्ट सर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अलग अलग बात हमने पहले कर ली थी. देखिए एक स्टेप आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का करवाना है. तो जैसा सर अभी कह रहे थे नेट गेन एटीपी टू एटीपी वहां है, टोटल फोर बनते हैं, टू कंज्यूम हो जाते हैं, और इसमें जो है वो एनएडीएच भी बनते हैं, सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उनको भी अपन हाँ एक मिनट एटीपी टू एटीपी और साइड में हम लिख लेते हैं टू एनएडीएच क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके ऑक्सीडाइज करवाना है इनको. फिर सर उसके बाद में लिंक रिएक्शन या क्रेब साइकिल. तो लिंक रिएक्शन जो है, इस लिंक रिएक्शन में भी अल्टीमेटली आपके पास बनेंगे बच्चों टू एनएडीएच. उसके बाद में क्रेब साइकिल, जैसा पहले भी हमने मेंशन किया था, क्रेब साइकिल को अगर आप देखें तो इसमें भी आपके पास हो गए 3NADH पर मॉलिक्यूल. तो मैं 6 भी लिख दूं, कुछ डायरेक्ट ज्यादा ठीक रहेगा. बिल्कुल हाँ, 6 ही डायरेक्ट हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं एस्टर को. तो बच्चों 6NADH, 2FADH एंड 2ATP और GTP. बिल्कुल ये फॉर्मेशन होता है. अब अगर इसको कैलकुलेट हम करें तो देखो सर अलग अलग भी कर सकते हैं. SLP या सबस्ट्रेट लेवल का जो फॉस्फोराइलेशन है डायरेक्ट है, उसमें 2ATP ये बन गए एंड 2A बन गए. तो SLP या सबस्ट्रेट के लेवल के फॉस्फोराइलेशन से आपके पास 4ATP ही आते हैं. यहां जो है उधर सर मेंशन कर दो आप NADH से. देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होगा 6ATP. तो अल्टीमेटली यहां से फिर भी समराइज हम कर सकते हैं, इस ग्लाइकोलाइसिस से टोटल कितना हुआ 8ATP. टोटल जो ये नेट गेन जो है वो 8ATP का हो गया ग्लाइकोलाइसिस. लिंक रिएक्शन में 6ATP ठीक है. उसके बाद देखिए ये हुए 18ATP, ये हुए 4ATP और ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट ही 2ATP और GTP जो भी. अभी पूरा समराइज हो गया, लेकिन लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा कि उसने किस बेसिस पे जो है. तो ये कह रहा है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनएडीएच टू ऑक्सीडेशन इन ईटीएस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो सिर्फ एनएडीएच वाले आपको काउंट करने हैं यहां से. तो देखो ये रहा सर 6, उसके बाद लिंक रिएक्शन के 6 ये हो जाएगा 12 18. ये काउंट करने हैं, तो ये काउंट करते हैं. 18 जो है वो क्रेब साइकिल के हैं, उसके बाद में 6 जो है लिंक रिएक्शन के हैं, 24 एंड 6 ये हैं. तो 30 ATP मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं NADH से आते हैं, और ये भी हम फाइनलाइज कर सकते हैं. देखिए मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे क्रेब साइकिल है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो हमें देता है वो NADH देता है 30 ATP मॉलिक्यूल्स. तो बहुत सीधा भी है सर, 30 ATP मॉलिक्यूल्स यहां से आ जाएंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे ETS में होने वाले फॉर्मेशन किसका, ETS में ऑक्सीडाइज होने वाले FADH से. तो ये 34 हो गए, और SLP से आप कह रहे थे डायरेक्ट 4 बन रहे हैं, तो 38 का कॉम्बिनेशन होगा. ये आंसर हमको करेक्ट आंसर फाइनल बिल्कुल 30 जी. नेक्स्ट ये दे रखा है आपको, सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर A, B एंड C. ठीक है, तो सर यहाँ जो है वो पायरुविक एसिड की एंट्री क्रेब साइकिल में दिखाई गई है. एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करता है, जैसे आपने कहा था ये एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करता है. ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2C2M, ये ऑक्सलो एसिटिक ला रहे हैं यहां से 4C2M. तो ये सिट्रिक एसिड बन जाएगा सबसे पहले, ये 6C 6 कार्बन कंपाउंड और 2M. अब अल्टीमेटली बी हमें दिया है, तो देखो बी और सी आपको जो पूछना चाह रहे हैं एनसीईआरटी में, ये स्टेप ऐसे ही ब्रीफ कर रखे हैं. तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनेटिक और आइसोसिट्रिक एसिड बनने के बाद में फाइनली सक्सिनाइल कोएंजाइम बनने तक 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. बिल्कुल, तो इसका मतलब CO2 रिलीज हो जानी चाहिए. तो सर हम यहां CO2 वाला ऑप्शन सबसे पहले ले सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है किस रेस्पेक्ट में उन्होंने मेंशन किया है वो चूज करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि यहाँ देखो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है PDC वो एक्ट करता है, मैग्नीशियम भी यहाँ कह सकते हैं. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ए मैग्नीशियम पे जाए, बी CO2, और सी जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बनता है, तो सर सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम यूटिलाइज होता है, और उसमें ADP और GDP डिपेंडेंट होते हैं एंजाइम के फॉर्म आइसोफॉर्म्स. इसलिए देखो यहां तो बन सकता है ATP और GTP. ये जो है बच्चों CO2 रिलीज शो कर सकता है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और ये जो है वो फिर हमारे पास मैग्नीशियम आयंस जो है उनको एक्टिवेटर या कोफैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है. सी तो आपने जैसे बताया ये हो जाएगा ATP GTP, और जो बी है वो CO2 रिलीज हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन, तो ए है यहां पर मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रही है. तो फाइनल आंसर सेकंड. नेक्स्ट
which is the basic difference between anaerobic respiration and fermentation process. Fermentation process and anaerobic respiration mein basic difference keh raha hai. Anaerobic respiration perform in cell while fermentation perform only in external surface of cell. देखिए, extracellular process हो सकता है, वहां कह रहा है only in external surface of the cell. बिल्कुल, only नहीं आएगा, अंदर हाँ, भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. ठीक है, basically extracellular process ही है. तो ये statement सर हुआ incorrect. Incorrect हो जाएगा. फिर कह रहा है anaerobic respiration is cellular and fermentation is cellular as extracellular both. सही बात है, उसी के according हम बात करें. फिर कह रहा है requirement of O2 in both processes. तो oxygen की requirement दोनों में नहीं होती है. फिर कह रहा है anaerobic respiration perform in prokaryotes and fermentation perform in eukaryotic cell. Incorrect हो गया. ठीक है, अब ये तो स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिए. हमें बेसिक डिफरेंस यहां से देखना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, ये हमारे से पूछा गया है. ये तो कॉमन हो गया, दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. बिल्कुल, पर जो मेन डिफरेंस है वो यही है, जो फर्मेंटेशन है वो इनसाइड आउटसाइड दोनों प्रोसेस हो सकता है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज सेलुलर प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज द सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर. तो ये हमारे पास करेक्टराइजेशन आ जाएगा. सेकंड आंसर क्या है? नेक्स्ट 133, ये देखिए ईटीसी और ईटीएस को शो कर रखा है कंप्लीट. यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आप जानते हैं, एनएडीएस डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 है, फिर ए यहाँ लैग कर दिया गया, ऑब्वियस है साइटोक्रोम रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, ये एसडी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उसके बाद में ये साइटोक्रोम, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को रिप्रेजेंट, फोर्थ को रिप्रेजेंट, फोर्थ को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. कॉम्प्लेक्स तो ये आपको कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम. ए क्या है? ए हमें सबसे पहले पूछा है सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होगा. बिल्कुल, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सेकंड. बिल्कुल, यहां बोला ए रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इनकरेक्ट हो गया ये. हाँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे अपन. बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स. तो जो बी है ऑब्वियसली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम वही टर्मिनल ही है. ईटीसी लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है, ईटीसी लिखा है सर, तो डेफिनेटली ये बी सही है. फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ रिप्रेजेंट H2O फॉर्मेशन, नहीं, H2O फॉर्मेशन इसी के साथ हो जाएगा, बी के साथ ही. बिल्कुल, यहां पे एटीपी फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा. और फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट प्रोटॉन पंपिंग इन ईटीसी. ये भी इनकरेक्ट हो गया. देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो कह रहा है प्रोटॉन जो पंपिंग है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है, जो सेकंड है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं, वो यूवी किरण के थ्रू थर्ड को ट्रांसफर करेगा, डायरेक्टली वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है. तो इस तरीके से हमारे पास ये इसमें इनकरेक्ट रेफरेंस जो है वो हुआ. करेक्ट पूछा सर, राइट ऑप्शन सो सेकंड हो जाएगा. सेकंड हो जाएगा, ठीक है. फर्स्ट में फोर्थ में कॉपर कंटेनिंग फॉर्म बता दिया लेकिन ए के लिए कह दिया, तो वो ए सेकंड बात है, ए सेकंड मतलब रेलेवेंसी नहीं है, तो रेलेवेंसी बी और सेकंड की मिलेगी इसको. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 134, प्रोटीन सब्सटेंस आफ्टर डीएमिनेशन एंटर इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो यहाँ देखिए आपको आफ्टर डीएमिनेशन दिया है, तो प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जब यूज होता है तो डीएमिनेशन के बाद में अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में कहाँ कहाँ एंटर कर सकता है प्रोटीन, अमाइनो एसिड वो कन्वर्ट हो सकता है आपका पाइरुविक एसिड में. बिल्कुल, देन ये एसिटाइल कोएंजाइम देन आल्सो एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल. वो जो अमाइनो एसिड्स बनेंगे उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ कहाँ एंटर कर सकता है. तो देखिए एंट्री पॉइंट उसके जो है वो पाइरुविक एसिड होगा, एसिटाइल कोएंजाइम होगा, ये सही है. फिर कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये सही है, लेकिन यहां लैग कर गया ये पाइरुविक एसिड. फिर लिखा है पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो ये स्टूडेंट्स सही है. और फिर लिखा है 3PGL, ये देखिए फैटी एसिड्स के लिए है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर यहां हो जाएगा थर्ड. ये कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो ग्लूकोज है वो, इसके अलावा फैट और प्रोटीन, इन तीनों के लिए चार्ट दे रखा है जो एम्फीबोलिक पाथ जिसको आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में. और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि तीनों का कॉमन एंट्री पॉइंट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम तीनों का कॉमन एंट्री पॉइंट. 135, आर की वैल्यू ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज. बिल्कुल, अभी डिस्कस किया था अपन ने आर की वैल्यू को जी, CO2 रिलीज एंड O2 कंज्यूम. तो बात कर रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता ही नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन जीरो है, तो ऑब्वियसली जो आर की वैल्यू है वो जो आपकी हो जाएगी अनंत हो जाएगी, इनफिनिट. क्लियर? नेक्स्ट 136, 5 कार्बन एसिड कंपाउंड इन टीसीए साइक्लिस. देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, क्यों है ऐसा?
सिट्रिक एसिड जो था सर, अभी हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ बात करके आए थे, सिट्रिक एसिड जो था वो सिक्स कार्बन कंपाउंड बना था, और ये सिट्रिक एसिड के बाद में सिसैकोनेटिक और आइसोसिट्रिक एसिड से फिर ऑक्सलोसक्सिनेट एंड देन फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो यहाँ टू सक्सेसिव स्टेप्स आपने कहा था हो गए, इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से फिर फोर कार्बन कंपाउंड शुरू हो जाते हैं, तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो अल्टीमेटली फाइव कार्बन कंपाउंड जो होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये मेंशन भी कर देते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो ये फोर कार्बन कंपाउंड हो गया, फ्यूमेरिक जो एसिड है वो फोर कार्बन, सिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन कंपाउंड है, और ये एक अकेला, वैसे एक अकेला फाइव कार्बन कंपाउंड होता है, तो एक तरीके से पूरे प्रोसेस का इंटरमीडिएट, इससे पहले सिक्स कार्बन थे, इसके बाद में फोर कार्बन कंपाउंड हो गए। 137 फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स, फ्यूमेरेज दे रखा है, फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता, सीधा आंसर आपके पास है, कोई डिस्कशन वाली बात ज्यादा इसमें नहीं है, फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड। नेक्स्ट 138 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट में ले रखा है ग्लाइकोलाइसिस क्रैब्स साइकिल एंड कॉलम सेकंड में जो है वो इसको इनकी कनेक्टिविटी दे रखी है। देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं सर हम, बिल्कुल। फिर ये कह रहा है रिलीज CO2 नहीं करता, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, डेफिनेटली हम कह सकते हैं फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, ए के साथ जो है सेकंड एंड फिफ्थ आ गया, सेकंड और फिफ्थ यहां आपको ए के साथ मिलेंगे, सेकंड और फिफ्थ मैचिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं, इसमें कुछ मैच में कुछ और है भी। क्रैब साइकिल को देखो टीसीए साइकिल कह सकते हैं, तो बी के साथ फर्स्ट है, सेकंड फिफ्थ यहां था ये, हां सेकंड फिफ्थ चल रहा है, और फिर उसके बाद में देखिए क्रैब साइकिल में कह रहे हैं प्रोड्यूस FADH2, डेफिनेटली प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल। रिलीज CO2 क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की भी हमने बात की थी, दो दो स्टेप होते हैं तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बी के लिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, और ए के लिए फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट रेस्पिरेशन। तो फिर कह रहा है पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता तो वो भी ऐसे एंटर करेगा, तो इसके बाद तो मुझे लगता नहीं सर, एक बार इसको पढ़ने की जरूरत है, फिर देखते हैं कुछ और पॉसिबिलिटी हो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहां भी डेफिनेटली वो एंटर करेगा, तो अल्फा स्टेप पे यूज आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप पे यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। 140 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हम बता चुके हैं, एटीएस पूरा डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। 141 Select a chemical substance which produced during respiration of all respiratory substances. जितने सारे respiratory substances यूज होते हैं उन सब में, तो वो common entry point वाला यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि देखिए फैटी एसिड्स के थ्रू आप आ रहे हैं, तो या तो आपको जो है वो थ्री कार्बन कंपाउंड जो DHAP और PGAL है उसके फॉर्मेशन पे लाना पड़ेगा, या फिर आप एसिटाइल कोएंजाइम पे आ सकते हैं, तो इसका मतलब पाइरुवेट लैक कर जाएगा वो। प्रोटीन में आप जाएंगे तो पाइरुवेट भी मिल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम भी मिल जाएगा, तो तीनों को एक साथ अगर हम रखें तो फिर एक PGAL मिस हो रहा है, तो कॉमन एंट्री पॉइंट, सॉरी एक पाइरुविक एसिड मिस हो रहा है, तो कॉमन एंट्री पॉइंट हमें एसिटाइल कोएंजाइम पे आना पड़ेगा। 142 यूबिक्विनोन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ, तो देखो कहां से रिसीव करता है, NADH2 से और FADH2 से, यूबिक्विनोन आपने कहा था यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल के फॉर्म में वहां एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है फर्स्ट एंड थर्ड के बीच एंड सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, NADH और FADH दोनों को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा देता है, तो बहुत NADH2 एंड FADH2। 143 हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन एसिटाइल कोएंजाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक एसिटाइल कोएंजाइम तो सिंपली एक क्रैब साइकिल की ही बात आपसे कर रहा है, क्रैब साइकिल के जो टू फेज है टू साइकिल फॉर्म है उनमें सिर्फ एक की बात आपको करनी है, ऑब्वियस है वहां 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे, क्लियर कर चुके हैं पहले 3 NADH 1 FADH एंड 1 ATP और GT। इस पे लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जैसे यहां सिर्फ सर वो कह रहा है वन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, अगर टू मॉलिक्यूल्स कहता है तो आंसर आपका 24 हो जाता। 144 Which of the following enzyme include as the marker enzyme in the mitochondria? सर ने बहुत पहले बोला था शुरू में, जब पहले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, succinate dehydrogenase complex जो है, ये SD enzyme जो है that will call or act as the marker enzyme,
ये ETS को और क्रेब साइकिल दोनों को कनेक्ट करता है। और सक्सिनेटरी हाइड्रोजनेस रिलेटेड तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट भी अक्सर इधर-उधर मिलते हैं, दिस इज द मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमन एंजाइम बिटवीन क्रेब साइकिल एंड ETS। और जो सक्सिनेटरी हाइड्रोजनेस उसकी जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन। और कई बार वो आगे एंजाइम में भी आता है, इसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनेट, मेलोनेट होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन अच्छी बात सर आपने एक बताई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका प्रेजेंट होता है मेलोनेट, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 145, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट फॉर गिवन फिगर। तो वो सर वही आपने क्रेब साइकिल दे रखा है, क्रेब साइकिल को यहां पर रिप्रेजेंट किया, तो क्रेब साइकिल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट उनका बोलेंगे अपन बात, इट रिप्रेजेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट, डेफिनेटली कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इसमें लाया गया है। फिर कह रहा है ए रिप्रेजेंट FADH2 फॉर्मेशन, ए रिप्रेजेंट FADH2, इसको रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल। तो ये है आपका सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड जो है, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, का फॉर्मेशन हो रहा है। हां, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बन रहा है तब आप कहेंगे FADH2 FADH फॉर्मेशन होता है। फिर है यह 15 ATP निर्माण को प्रदर्शित करता है। देखिए सिंगल पाइरूवेट लिया, एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर ले रहा है तो ऑब्वियस है इसको इंक्लूड हम कर लेंगे, तो 3 तो यहां से आ जाएंगे और 12 जो है वो पहले आपने पढ़ रखे हैं, ये तो 15 हो जाएंगे। फिर कह रहा है परफॉर्म इन मैट्रिक्स रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेटली सही है। दिस प्रोसेस रिलीज 3 CO2 मॉलिक्यूल्स, डेफिनेटली एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये होगा, दूसरा यहां हो गया, टू स्टेप पे हो गया सर, और ये और ये सर सिट्रिक एसिड दिख रखा है, तो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन हो गया, अब सारे 4 कार्बन है तो ऑब्वियस है 2 ये हो गए, तो ये भी इंडिकेट करता है। तो इस प्रक्रिया में सारे स्टेटमेंट है करेक्ट, हां FADH2 निर्माण को प्रदर्शित करता है ABC, ये क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया ना सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड, तो उस बीच में FADH2 बन रहा है, यहां पर स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑल फोर, तो यहां पर 5 5 स्टेटमेंट है करेक्ट जी। नेक्स्ट 146, सेलेक्ट डाइट स्टेटमेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इंक्लूड बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की थी, डेफिनेटली देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर आपने कहा था दोनों मोड हो सकते हैं, एनारोबिक में भी, एरोबिक तो ऑब्वियस है सेलुलर मोड ही है। इट ओनली इंक्लूड एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा नहीं है, फर्मेंटेशन इज ओनली द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा भी नहीं है। इट रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 इन सराउंडिंग एनवायरमेंट, एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज इज एग्जैक्टली ब्रीदिंग, बिल्कुल ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का ऑक्सीडेशन है, ब्रेक डाउन है, CO2 रिलीज कर देगा और O2 को कंज्यूम करेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है, बात करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हां जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 147, देखिए 147 जो है वो आपको यहां केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्वेश्चन दिया है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और फोटोफास्फोरिलेशन दोनों इसी पे बेस्ड है, इसलिए जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोटोसिंथेसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सर हमारे पास ये लेबलिंग दे रखी है, उस पर सीधे ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए आपको दिया है, तो ए में हम मेंशन कर सकते हैं ये पीएस फर्स्ट होगा, ऑलवेज फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फोटोसिस्टम फर्स्ट को होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बी यहां मेंशन कर रखा है, तो ये पोर्शन तो है सर थायलेकोइड ल्यूमेन, ऑब्वियस है बी जो है वो थायलेकोइड मेम्ब्रेन हो जाएगा, थायलेकोइड मेम्ब्रेन। और जो डी हमें दे रखा है ये CF को CF1 पार्टिकल होगा, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस का प्रेजेंस यहां पर। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस पे जा सकते हैं, यहां से देखिए हमारे पास ए जो है वो होना चाहिए पीएस फर्स्ट, बी जो है वो होना चाहिए हमारे पास थायलेकोइड मेम्ब्रेन, ये थायलेकोइड मेम्ब्रेन भी है, सी हमारे पास पीएस सेकंड, और डी एफडी है। देखो यहां पर इन्होंने जो एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं F4 F1, तो यहां इन्होंने मार्क कर दिया, बिल्कुल यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है F1 जो है वो फिर आप मैच कर ले, आपको पता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है या क्या एक्सप्लेन करती है, इट ऑलवेज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय यूजिंग प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट को कैसे यूज करते हुए आप ATP का सिंथेसिस कर सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर और थायलेकोइड लुमेन पर, दोनों पर ये एक्सप्लेन करता है। फिर अपन ये भी तो बोल सकते हैं जो आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, डेफिनेटली उसमें एक एनक्लोजर चाहिए, एनक्लोजर प्रोटॉन पंप जो है वो भी रिक्वायर्ड है, वो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा ATP सिंथेसिस उसकी भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगी। जैसे देखो ये प्रोटोन यहां से यहां आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पंपिंग हो रही है, यहां ग्रेडियंट बन जाने के बाद इसके थ्रू ये फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, एक तरीके से
इस एफओ पार्टिकल्स में, एफओ पार्टिकल में सॉरी, ये टनल और चैनल की तरह एक्ट कर रहा है, इस हेड पीस तक ये पहुंचा रहा है। तो यहाँ ये प्रोटोन ग्रेडियंट जो बना, इस प्रोटोन एनर्जी को यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है, एटीपी बना लिया जाता है। 148 इन फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो सर अभी डिस्कस किया था ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसको रिप्रेजेंट किया, सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन होगी, एटीपी सिंथेज है उसकी लोकेशन क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ए जो है वो एफओ पार्ट है एंड दैट इज F1 जो स्फेरिकल है एंड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, इसका दोनों पार्ट है, ये एम्बेडेड होगा मेम्ब्रेन में, एम्बेडेड होगा F1 और F1 जैसा सर्कुलरी स्फेरिकल पार्ट होगा मैट्रिक्स पोर्शन की तरह। ऑब्वियसली एटीपी बनाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी मैट्रिक्स में होगा, तो हम इसमें कह सकते हैं F1 आंसर थर्ड। F1 ETS occurs in, ETS पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन ही। 150 केमियोस्मोसिस रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस डीटीएस डज नॉट रिक्वायर, क्या रिक्वायर नहीं होता सर, हमें जैसा कह रहे थे देखो मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है, प्रोटोन की रिक्वायरमेंट भी है, एटीपी रिक्वायर नहीं करता या फिर एटीपीएज रिक्वायर नहीं करता, प्रोटोन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, एटीपीएज एटीपी का तो फॉर्मेशन हो रहा है, रिक्वायर्ड एटीपी रिक्वायर्ड होना नहीं। नेक्स्ट 151 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ टीसीए साइकिल CO2 इज इवॉल्व। बिल्कुल जैसे अब काफी बार अपन बात कर चुके हैं जो टीसीए साइकिल है उसमें दो स्टेप पे CO2 जो है वो रिलीज होती है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, तो यहां स्टेप के अकॉर्डिंग थोड़ा बता देंगे कि कहां कहां जो है। देखो सर सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना रहा है, तो एजेंट ये बता तो ये रहा है 6 कार्बन और उधर 5 और ये 5 कार्बन, तो इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। सक्सेनिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों 4 कार्बन है, तो यहां नहीं होगा CO2 रिलीज। मैलिक एसिड और ऑक्सलिक एसिड ये भी दोनों 4 कार्बन है। बिल्कुल ये देखिए अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन है और सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन, तो एक तो इससे इसमें जब कन्वर्जन आता है तब CO2 निकलता है, इससे इसमें कन्वर्जन पे CO2 निकलता है, ये टू स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट और फोर्थ हो जाए, फर्स्ट और फोर्थ ये थर्ड आंसर हो जाएगा। 152 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंकेज इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन ETS, काफी बार बात हो चुकी है, हां यूबीक्विनोन मेंशन कर रखा है यहां, यूबीक्विनोन विल बी द लिंकेज फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड इनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैरियर के फॉर्म में ये प्रोजेक्ट होता है। 153 इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज, वो कह रहा है इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो किसी एंड प्रोडक्ट के कारण अगर आ रहा है तो ये क्या होगा। बिल्कुल सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ग्लूकोज अपन ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट, अगर ये इसके जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस को जाके इनहिबिट कर रहा है तो दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन, और ये रेगुलेशन का एक बड़ा जो है पार्ट है। तो सर यहाँ दो तीन इनहिबिशन दे रखे हैं, एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड नॉटिस। बिल्कुल तो यहाँ जो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इन्होंने बात की है वो बात की है फिर एंजाइम्स मैकेनिज्म से रिलेटेड होगा, सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड होने से। बिल्कुल जो एंजाइम है ये आपका एंजाइम हो गया और ये सबस्ट्रेट है, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल तो ये जो आपकी एक्टिव साइट एंजाइम है उसके साथ क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट, इसको आप कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहेंगे। फीडबैक इनहिबिशन सबने जैसा आपको बताया एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा उसको रेगुलेट करेगा, और एक दे रखा है नॉन कॉम्पिटेटिव, सिंपल है बिल्कुल, जो इनहिबिटर होगा वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट से सिमिलर नहीं होगी, वो अदर देन एक्टिव साइट जो है वो बाइंड हो जाएगा, तो उसको आप नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चंस की सीरीज थी, प्लांट फिजियोलॉजी गुरुनीति एपिसोड 4 हमने किया, ये था चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इसमें जो क्वेश्चंस हमने लिए इसमें पूरे मैकेनिज्म के साथ बात करने के हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं, इधर उधर से जहां जितनी कनेक्टिविटी थी उसको भी हमने डिटेक्ट करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से आप हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स जो आपके पास आएंगे उनमें 2-3 एपिसोड्स में हम एग्जैक्टली जितने सारे चैप्टर्स में कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं, एक दो चैप्टर बचे हैं तो उनको अपन इंक्लूड करेंगे, फिर लास्ट जो अपना एपिसोड होगा प्लांट फिजियोलॉजी उसमें फिर कॉमन के साथ करेंगे, और रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आपके पास था प्लांट फिजियोलॉजी का गुरुनीति एपिसोड 4। एंजॉय द प्लांट फिजियोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी, थैंक यू।